संजय जायसवाल की औकात है ललन सिंह जी पर सवाल उठाने का और नीतीश कुमार जी के बारे में बोलने का। बीजेपी की लाचारी है जदयू, लालू यादव जी का उसका बेटा सुनता नहीं है। कौन मिले हुए हैं बीजेपी से? आरजेडी वाले, जो अपने की आरजेडी कहते हैं, अग्निवीर में गायब, नैतिक समर्थन और रोड पे नहीं। बीजेपी नहीं चाहती है कि ये जदयू और लालू यादव एक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। संजय जायसवाल लगातार जेडीयू के ऊपर हमलावर हैं। मेरे साथ पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रही है। अगर फिर मनमुटाव है, नाराज़गी है दोनों के बीच में, तो फिर साथ में क्यों हैं? जिस तरीके से संजय जायसवाल लगातार जेडीयू के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सरकार में पिछले 15-16 सालों से वो दोनों हैं, लेकिन जेडीयू के ऊपर बीजेपी सवाल उठा रही है। संजय जायसवाल की औकात है ललन सिंह जी पर सवाल उठाने का और नीतीश कुमार जी के बारे में बोलने का? औकात नहीं है, कैसी कैसी बातें करते हैं। उनके पिताजी जब थे तब क्या औकात है संजय जायसवाल जी का? अनुकंपा पर बीजेपी के अध्यक्ष हो गए, एक थाना सुनता नहीं है, एक हिंदू मुसलमान के कारण ये MP हो जाते हैं जी, जो संघर्ष के प्रतीक रहे हैं लगातार। आज से कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने से ललन सिंह राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रखर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात ख्याल रखिएगा, मैं आज आपको बहुत क्लियर बता दूँ, बीजेपी की लाचारी है जदयू, नीतीश कुमार जी 32 दांत के बीच में घिरे हुए। आप हमको एक बात बताइए, लालू यादव जी का उसका बेटा सुनता नहीं है। लालू यादव जी का जो अभी RJD पार्टी है वो उसके बेटे के मातहत है। लालू यादव उनसे निकलना चाहते नहीं हैं और वो बीजेपी से मिले हुए हैं। कौन मिले हुए हैं बीजेपी से? RJD वाले, जो अपने की RJD कहते हैं, अग्निवीर में गायब, नैतिक समर्थन और रोड पे नहीं। और जब पूरा देश 10-12 दिन ख़त्म हो गया तब जाके सड़क पर 100 मीटर फोका पैर में लग जाता, 100 मीटर तो बीजेपी जो तय करती है वो करेंगे। वो आप हमको ज़रा बताओ ना, राहुल गांधी जी का जन्मदिन था जी, बाप बेटा कोई ट्वीट किया? आप उठा के देख लो, राहुल गांधी जी इतने संकट में थे, बाप बेटा ने कोई ट्वीट किया? कोई? आप उठा के देख लो, कोई ऐसा व्यक्ति होगा? ठीक है, विपक्ष ने नहीं किया, यह बाप बेटा एक बार भी राहुल गांधी जी के इतने बड़े संकट में 50-55 घंटा बैठाने के बावजूद तुम गठबंधन में रहे और कल रहोगे कि नहीं रहोगे, विपक्ष में तो हो। सोनिया गांधी हमेशा राहुल गांधी के संकट में रहा, लालू यादव के संकट में रहा, उसके परिवार में। तो ये कंप्लीट बीजेपी से मिले हुए हैं, ये इसको लिख लो सादे कागज पर। बीजेपी नहीं चाहती है कि ये जदयू और लालू यादव एक हो, इसलिए तो लालू यादव के यहाँ ED धमकाया चमकाया और कह दिया औकात में रहो। देखो, जो इनकम टैक्स और ED में डरेगा रहेगा वह ना तो लड़ेगा ना तो मरने की तैयारी करेगा ना संघर्ष करेगा। नीतीश कुमार को कौन ED और CD का डर और इनकम टैक्स का डर नहीं है, ईमानदार है यार। अच्छा, नीतीश कुमार ईमानदार है बिल्कुल, पर्सनली लाइफ में वो बहुत ईमानदार। संजय जायसवाल सवाल उठा रहे हैं, संजय जायसवाल के बारे में आप इतने जानो, वो शिखंडी टाइप के लोग हैं और उनसे सवाल उठाया जा रहा है। संजय जायसवाल क्यों उठ ऊपर से चलेगा तो संजय जायसवाल उठा लेंगे? संजय जायसवाल उठा रहे हैं, बचकोल नहीं, बचकोल टाइप का लोग, सलाह जिसकी औकात नहीं, जिसको 13-14 को अब CRPF कवरेज मिल गया जी, ये चौरसिया होरसिया, ये जायसवाल अग्रवाल भगरवाल भंडवाल, ये इन लोगों को CRP और BJP के ऑफिस में BSF लगा रहे हैं। तो CRP ये बगुला भगर गोबर पर घी डालने से, ये लोग शुगर का गूँ है, ये गोबरों नहीं है, आप समझो। क्या टूट जाएगी गठबंधन बिहार में? सर एक बात सादे कागज पर लिखो, लिख लो जी, यदि चल रही है तो उसके सबसे बड़े कारण है लालू यादव जी के परिवार, इसको आप लिख लो। चलिए, और इसको मानो कि किसी भी परिस्थिति में जी, किसी भी परिस्थिति में पेशेंस और ये राष्ट्रपति चुनाव और अपना चुनाव हो सकता है
ये सोचेगा कि मिल के लड़ लें, ताकि क्योंकि वहाँ 40 सीट है, और नीतीश कुमार जी और जदयू को सोचना पड़ेगा कि 25 में ये नरट्टी दाबेंगे, इसलिए 24 में के पहले ही नीतीश कुमार जी को और जदयू को निपटा दिया जाएगा।